Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vegamall, Ajmer. मेरे द्वारा लास्ट मार्च में मार्च 2019 में सबसे पहले मेरा लेटर गया था आयुक्त को दिया गया था जिसमें ACR योजना का 50 करोड़ का घपले करने का घोटाला करने का वो लगाया था जिन्होंने गलत आवंटन कर दिया जो अवाबशुदा ज़मीन थी उसके लिए मैंने आरोप लगाया था कि इन्होंने अवाबशुदा ज़मीन को जो 1,00,000 रुपये गज की ज़मीन थी उसको 2,100 रुपये गज में इन्होंने बंदरबाड़ कर दी एक एक आदमी को 6-6 प्लॉट दे दिए नगर निगम को 6,000 वर्ग मीटर तक का पावर था और ये जो ज़मीन है वो 7,734 वर्ग मीटर ज़मीन है जबकि और जो काम किया वो किया उपायुक्त ने जबकि उपायुक्त को पावर ही नहीं थी आयुक्त ही कर सकता था आयुक्त के साइन ही नहीं है पूरे में तो उसको लेके मैंने एलिगेशन लगाया सबसे पहले क्यों क्योंकि वो ज़मीन मेरे वार्ड में थी मैंने उसका सवाल उठाया सबसे पहले जब सवाल उठाया उसके बाद फिर उस पर कलेक्टर साहब ने एक जांच कमेटी बना ली उस जांच कमेटी में हमारे नगर निगम के अधिकारी लिए जो उस घोटाले में ऑलरेडी शामिल थे जैसे सिरवी साहब उनकी खुद की रिपोर्टिंग है वो उसमें शामिल थे ऑब्जेक्शन उठाया नहीं माना फिर उसकी जांच की रिपोर्ट आई उस जांच की रिपोर्ट में इन्होंने माना कि ये जो आवंटन हुआ है जो सोसाइटी ने आवंटन किया था वो गलत था फिर भी उसके बाद उन्होंने उसी जांच रिपोर्ट में एंड के पॉइंट में उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी मैं कलेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने उस जांच रिपोर्ट को आज तारीख तक न एक्सेप्ट किया है न रिजेक्ट किया है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है उसके बाद मैंने ACB में भी लगा दिया ACB में भी परिवाद आ गया है परिवाद नंबर मेरे पास उसका आ चुका है इसके बाद मैं हाईकोर्ट भी चला गया इसके बाद मैंने ढेर सारे मुद्दे उठाए जिन्होंने खास तौर पर हमारे जो पार्षद साथी हैं वालिया जी उनके थ्रू जो काम हो रहे हैं टोटल उनके उनके बच्चे के थ्रू हरीश पेन वाला के थ्रू जो अवैध निर्माण हो रहे हैं पूरी लाइन लग रही है पूरी की पूरी धड़ाधड़ काम कर रहे हैं भले इन लोगों की दादागिरी इतनी हो गई कि किसी की ज़मीन है तो वो ज़मीन पे अपना काम नहीं कर सकता है अगर कॉमर्शियल उसको बनाना है तो ठेका इनको देना पड़ेगा और ठेका कौन लेगा मेयर पुत्र लेगा जितने अवैध निर्माण होते हैं हमारे महापौर जी के जो पुत्र हैं वो ठेका लेते हैं वो मौके पे नहीं जाते उनके ठेकेदार आते हैं वो काम करते हैं जो एक स्केल्टन खड़ी करने की जो रेट होती है वो 750 से 800 मैक्सिमम होती है और वहाँ जो पैसा लगता है वो 1400 रुपये की रेट ली जाती है उसमें भी उसको 500 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है तो जब मैंने आवाज़ उठाना चालू की लिफाफे की बात आई इन्होंने जिस चीज़ के लिए कहा कि पार्षद को लिफाफे की तो मैं कहता हूँ ये जांच कराएं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जो पैसा दिया जाता था वो मेयर साहब द्वारा दिया जाता था कोई आदमी देने नहीं आता था वो अपनी जेब से देते थे पहले वो देते थे आपके 2018 तक देते थे 16,500 रुपये उसके बाद वो 18,000 रुपये हर महीने देते थे अब देखिए ये बहुत स्वाभाविक बात है जो बोलेगा किसी चीज़ के लिए आएगा सामने तो वो तो चोर हो जाएगा बाकी साहूकार कोई नहीं बोलना चाहेगा कि मैंने पैसे लिए इस चीज़ के लिए कोई नहीं बोलना चाहेगा मेयर ने कभी आपको लिफाफा दिया क्या मेयर को दिया कई बार दिया और मैं साफ कहता हूँ हाँ मैंने लिया तभी मैं कह रहा हूँ और मेरे सामने कई जनों को दिया इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने लिफाफे बांटे लिफाफे से मैनेजमेंट किया है और इस चीज़ के हर पार्षद की अपनी एक इमेज होती है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज बिगड़े तो उस हिसाब से उसने वो हमारे पार्षद साथी नहीं बोलेंगे इस मैटर में वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे इस चीज़ के लिए और उसी मद्देनज़र जैसे दशहरा समिति बनी थी तो इसमें इन्होंने 57 पार्षदों को लिया डिप्टी मेयर मेयर के अलावा ठीक है टोटल 59 हो गए मेयर को उस समिति में नहीं लिया मालूम पड़ा क्यों नहीं लिया तो बस उनका ये था नहीं लिया मेरी पावर है मैं किसको रखूँ किसको नहीं रखूँ मेरी मर्जी तो कुल मिला के वो सीरीज चल रही है भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैं लगातार लगा हुआ हूँ और उसी की कीमत मुझे बार बार चुकानी पड़ रही है जैसा मेयर साहब ने भी इंडिकेट किया कि इस पर मुकदमा दर्ज है और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है अब आप सुनिए चैनल के सामने बता रहा हूँ इस मुकदमे दर्ज होने में सबसे बड़ा जो रोल है हमारे माननीय मेयर का है इन लोगों ने क्या करा मेरे घर के जो नियमन की फाइल है जो घर के नियमन की फाइल है वो वहाँ से इन्होंने वालिया ने और इन्होंने वहाँ से निकलाई अविधिक तरीके से और निकलाने के बाद उसके पेपर चेंज कर दिए दस्तावेज चेंज कर दिए और चेंज करने के बाद FIR दर्ज करा दी उस पर जो कॉपी होती है प्रतिलिपि उस पर FSL करा ली FSL कराने के बाद मुझे अभियुक्त घोषित कर दिया मैं गया सीधा वहाँ पर ADA के पास ADA ने मुझे जाँच रिपोर्ट दी है बकायदा कि जो मैंने नियमन के वक्त पेपर दिए हुए हैं
वो बदले हुए हैं, उनका मिलान नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ रिपोर्ट दी है। वही मैं डीजीपी साहब के पास लेके गया हूँ, डीजीपी साहब ने वापस जांच भेजी, यहाँ भेजी है और आदर्श नगर थाने में भेजी है, उनको पॉइंट लिख के दिए हैं। अब वो वहाँ एडीए को ढूंढ रहे हैं, एडीए में किस कर्मचारी ने ये बदले इसको, मतलब ये साजिशन जो कर रहे हैं काम, वो ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके चुप हो जाए, आवाज़ नहीं उठाए। हमारे माननीय मेयर साहब के जो पुरानी मंडी में उन्होंने जगह दी है उसको आयुक्त मैडम ने निरस्त करने का भी लेटर लिखा हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 38 लाख रुपए में वो जगह दे दी, जबकि आपने 11 गज जमीन जो बेची थी वो 88 लाख में बेची है, और वो 100 गज जमीन आपने 38 लाख रुपए में दे दी, 10 करोड़ की जमीन थी। जो आवाज़ उठाएगा वो बुरा बनेगा, क्यों? क्योंकि इनके हित आपस में टकराते हैं, बहुत सारी उनको लगता है कि हमारे सामने ये कैसे बोल रहा है, लाइन चल रही है, सीरीज चल रही है, इसको जिसने ब्रेक करने की कोशिश करी उसको ब्रेक करने में ये लोग लग जाते हैं। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। अभी तो सदन चल रहा है, प्रस्ताव संख्या 1 बजट के लिए है, बजट पे अभी चर्चा चल रही है, वो जो संपूर्ण बजट पे चर्चा हो जाएगी इसके बाद ही क्या निर्णय आएगा ये तभी संभव है बताया जाना, अभी चर्चा है, इसको भोजन अवकाश के लिए स्थगित किया गया। ऐसा है, देखो आरोप लगाना जो है आदमी को, इसने जिस प्रकार के आरोप लगाए और आज ही नहीं लगाए, वो एक स्वयंभू ब्लॉक मास्टर हो रखा है, आज से नहीं लंबे समय से वो नगर निगम को नरक निगम के नाम से उच्चारित करता है, जबकि इसका दायित्व है, इस संस्था का वो ट्रस्टी है, इस संस्था का वो सदस्य है, इसके पास मंच है, महापौर के पास आके कह सकता है, आयुक्त के पास आके कह सकता है, सदन के अंदर अपनी बात को रख सकता है, मगर सदन के बाहर जाके किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप लगा दे। अब जैसे उदाहरण के रूप में जब इसने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सब लोग साक्षी हो, आप सब लोगों ने पूछा था कि महापौर का इसके अंदर क्या रोल है, तब इसने कहा था कि महापौर का रोल कुछ नहीं है, महापौर तो मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे को डॉक्यूमेंट्स या कार्यालय से नहीं मिल रहे हैं, महापौर ने मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए। इस बीच में चलते चलते में इसने मेरे से पूछा कि इसमें मैं जाँच कराऊँ क्या, मैं कहा बिल्कुल निश्चित रूप से करानी चाहिए, अगर आपको 50 करोड़ के आपको लगता है कि नगर निगम में कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जाँच आपको कराई जानी चाहिए, इस विधि संबद्ध का। इस चलते चलते दौरान में दो पार्षद हैं, वालिया जी हैं और एक ही चंद्रेश साकल, इनके दोनों के एडजोइनिंग वार्ड हैं, दोनों के अपने अपने इश्यूज होंगे, पर दोनों की अपने इश्यूज की लड़ाई के अंदर नगर निगम को आप पार्टी बनाते हो, उसके आरोप में फिर इन्होंने वालिया जी के खिलाफ एक शिकायत दी कि ये कृषि भूमि पर नक्शे पास करवा रहे हैं और कृषि भूमि को बेच रहे हैं। इनकी इसकी शिकायत पर मैंने जाँच करने के आदेश दिए, जाँच में पाया गया कि कृषि भूमि पर 2 नक्शे पास हो गए हैं, वो उस आर्किटेक्ट ने उसको कृषि भूमि के बजाय आबादी बताते हुए गलत तथ्य पेश करते हुए वो नक्शे पास करा लिए, मैंने वो नक्शे निरस्त कर दिए। इस बीच में वालिया जी ने इसके प्रति शिकायत दी कि इसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए मकान बना रखा है, इसकी जब फाइल की तायद की तो उसने एक ही समय में एक ही तरीके के 2 एग्रीमेंट जो पत्रावली पे एडीए पे आज भी उपस्थित है उसको लेके सिविल लाइन थाने में मुकदमा हुआ, जब सिविल लाइन थाना किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जब किशनगंज थाने ने इसको गिरफ्तारी करने की कार्रवाई करी तो ये एसपी साहब के पास गया, एसपी साहब के पास जाकर इसने जांच को चेंज कराया, जांच चेंज कराकर आदर्श नगर थाने वाले के पास गई, आदर्श नगर थाने वाले ने जब इसको गिरफ्तारी करने के लिए बात को आगे बढ़ाई तो ये भूपेंद्र जी यादव डीजी साहब के पास गया, वो पत्रावली डीजी साहब के पास गई, डीजी साहब के 15 दिन के बाद पेंडिंग रहने के बाद 5 क्वेरीज के बाद वापस यहाँ पे आ गई, वो पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। निश्चित रूप से इसने जो फर्जी दस्तावेज करके 420 467 468 471 का जो मुकदमा किया है तो उसमें इसको लगता है कि ये जो मैंने मदद की है और इस विषय को मैंने उछाला है, इसलिए वो चलता चलता चोर हो गया, इसके लिए बेकार हो गया। तो मैं महापौर हूँ, मेरे लिए अगर कोई भी शिकायत करेगा उस पर जाँच करूँगा, ये तो नहीं हो सकता कि इनकी जाँच पे इनकी शिकायत पे तो जाँच करूँ और कार्रवाई कर दूँ, अगर दूसरा पार्षद कहे तो उस पर नहीं करूँ। एक दूसरा विषय और है, जब आज इतने जागरूक बन रहे हो, आपको जानकारी है कि आप जिसमें कार्यालय खोल के बैठे हो वो बिल्डिंग अवैध है,
उस बिल्डिंग को सरकारी भूमि पर कब्जा है, उसको सीज करने का ऑर्डर है, वो सीज के कार्रवाई में पेंडिंग है, कभी भी सीज हो सकती है। तो जब आप ये जानते हो, जागरूक पार्षद हो, तो उसके नाते आप नहीं कर रहे हो, वहीं के उसके कर्मचारी, उसके वार्ड के कर्मचारी इस बात को करते हैं। पूछना चाहता हूँ मैं इससे, और आप भी पूछना, ये सुनील मैट है कौन? कौन सुनील मैट है जिसके माध्यम से आप वसूलियाँ करते हो? वो कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये सुनील मैट के माध्यम से हमारे से वसूलियाँ करता है। निश्चित रूप से मैं आयुक्त महोदय को कहूँगा कि इस बारे में जाँच करें और ये दोषी है। अब आपको लेके इसके ये पीड़ा हुई कि इसने जो दशहरा महोत्सव बना, दशहरा महोत्सव में इसको कमेटी में क्यों नहीं लिया गया? तो मेरा मानना था कि जब आप नगर निगम को नरक निगम कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हर मामले में यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ तो हर मामले में, तो बेचारा कोई साधु बनने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको दलदल में लाके क्यों पटकूँ? अगर वो सुधरना चाह रहा है, वो अपने आप को ठीक मानना चाह रहा है, तो उसको मैं ज़बरदस्ती क्यों कमेटी का मेम्बर बनाऊँ? और जब मैं कमेटी का मेम्बर बना देता तो यही श्रीमान जी दो लाइन की चिट्ठी लिख के देते कि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं उस कमेटी में नहीं रहना चाहता। तो अपनी इज्जत अपने हाथ होती, हमने इसको मुक्त रखा इससे। अब इसके बाद इसने लेके मुख्यमंत्री जी कार्यालय पे गया और पूरे नगर निगम को भ्रष्टाचार से युक्त इस बोर्ड का बताते हुए कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और यहाँ यहाँ इस प्रकार के हर महकमे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ठीक है, जांच हो गई, जांच के आधार पे वहाँ पे रिपोर्ट भी गई है मुख्यमंत्री जी के पास, किंतु इसका जो एक गंभीर आरोप था, वो गंभीर आरोप इसने अभी जो क्या कहा सदन में कि साहब जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान हमारे को नहीं दिया गया, आप बताओ मेरे को दशहरा महोत्सव में क्यों नहीं लिया? और आपको तो दशहरा कमेटी में नहीं लिया गया इसलिए आपका सम्मान अहित हो गया, मगर आप मुख्यमंत्री जी के पास जाकर ये कहते हो कि 99% पार्षद यहाँ पे चोर और 18,000 का लिफाफा लेता है, वो आप सम्मान दे रहे हो? पार्षदों को सम्मान दे रहे हो? निश्चित रूप से जब ये विषय, ये तथ्य लाए गए सदन के सामने, पार्षद महोदयों ने सब एक मत एक राय से, सर्वसम्मति से, कांग्रेस बीजेपी के ने कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, इस बात के लिए भी कहा गया कि सदन की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, अनावश्यक ये आरोप प्रत्यारोप के ऐसे लगा रहा है कि सब कुछ चोर की भाषा में बोल रहा है। तो ऐसे में जो नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, उसके धारा 18 के तहत मैं अधिकृत हूँ कि अगर कोई व्यवस्था को बिगाड़ता है, सदन को चलने में ऐसे अव्यवस्था का वातावरण पैदा करता है, तो उसको मैं निष्कासित कर सकता हूँ। अगर वो निष्कासित होकर नहीं जाते तो मेरे पास ये भी पावर है कि मैं पुलिस के माध्यम से भी इसको बाहर कर सकता था। तो निश्चित रूप से जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, जो उसने जिस संस्था का ट्रस्टी है, उस संस्था के बारे में बिगर तथ्यों के आधार पर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 50 करोड़ की इन्होंने कहा कि घोटाले हो गए, 50 करोड़ का घोटाला हो गया, और आपका कोई संतुष्टि का लेवल है कि नहीं है? जब आपने कलेक्टर, मुख्यमंत्री जी के सामने आपने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब की कमेटी बना दी, कलेक्टर साहब ने जाँच करके उसको बिल्कुल कह दिया कि 50 करोड़ का कोई घोटाला नहीं है, जो नगर निगम में काम हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। फिर आपने वापस कहा कि इन इन तथ्यों पर जांच नहीं हुई, इन इन तथ्यों पर वापस उस कमेटी ने जांच कर दी, सेकंड रिपोर्ट में वापस जांच देके उसको खारिज कर दिया। अरे सरकार की बनाई हुई कमेटी, आपकी डिमांड पे बनी हुई कमेटी, आपके सारे प्रश्न उठे हुए, उस पर जब दो दो बार आप खारिज कर दो तो फिर नहीं नहीं अभी भी 50 करोड़ का घोटाला, अभी भी 50 करोड़, तो कोई संतुष्टि का लेवल होगा? हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में एक दावा पेश किया, जब उस हाईकोर्ट ने डीबी की बेंच में जब लिया नहीं, इनका कोई ना कोई कमी थी, उसको वहाँ से विड्रॉ कर लिया, बिगर तथ्य बताए कि मेरी यहाँ पर जाँच हो गई, सरकार ने जाँच कर ली है, फिर दोबारा मथ्या चीज़ तथ्य प्रस्तुत करते, वहाँ फिर हाईकोर्ट में चले गए, वहाँ लगा रखा। और जब हाईकोर्ट में चीज़ पेंडिंग है, जब आप लड़ाई लड़ रहे हो और चीज़ें तो करो, किंतु सदन का वातावरण खराब करने के लिए और वातावरण को खराब करने के लिए उसको यहाँ से सदन से निष्कासित किया।